नमस्ते स्टूडेंट्स, हमने कल परमाणु के बारे में पढ़ा था। परमाणु की खोज किसने की, परमाणु कैसा होता है, डॉल्टन ने उसके सिद्धांत, जो परमाणु का सिद्धांत दिया वो किस आधार पर दिया, ये सब अपन पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे अणु। अणु क्या होते हैं? किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहता है, जैसे परमाणुओं का जो समूह है वो कहलाता है अणु। उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है अणु कहलाता है, जैसे नमक का अणु। अब नमक के प्रत्येक अणु जो हैं वो समान गुण दर्शाएंगे, सभी गुणधर्म दर्शाएंगे उनके। फास्फोरस का जो अणु है तो ये क्या होंगे, परमाणुओं का जो समूह है वो कहलाता है अणु, ठीक है। और किसी भी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण, क्योंकि सबसे छोटा जो कण होता है वो तो परमाणु है, और परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है, ठीक है। तो तत्व और या यौगिक का सबसे छोटा जो कण है वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहता है और वो क्या कहलाएगा, आपका अणु कहलाएगा। अब तत्व की परिभाषा, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, इनके आप डेफिनेशन अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और उनको याद करना। एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे मान लो लोहे का एक परमाणु है तो लोहे के बहुत सारे परमाणु जो होंगे, एक ही प्रकार के परमाणु का समूह, सारे लोहे लोहे के परमाणुओं का अगर समूह है तो वो तत्व कहलाएंगे। मतलब एक ही प्रकार के परमाणु होने चाहिए, इसमें कोई भी अन्य परमाणु मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे सोने का है तो सोने में सोने का ही परमाणु होना चाहिए, चांदी है तो चांदी में सभी चांदी के ही परमाणु होने चाहिए, लोहा है, लोहे का मैंने बता दिया, गंधक है। कहने का मतलब है कि जितने भी परमाणु हैं उनमें समान परमाणुओं का जो समूह है वही क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। तो अब तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है, 118 तत्व की खोज हो चुकी है, जिन्हें आवर्त सारणी में सेट किया हुआ है, जचाया हुआ है उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर, ठीक है। किसी तत्व का अणु एक परमाणु या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किसी तत्व का अणु एक परमाणु या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, मतलब उसमें एक अणु भी हो सकता है या समान अणुओं का समूह भी, जैसे दो अणु हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, तो उनका जो समूह है उनसे भी मिलकर बना हो सकता है। जैसे ऑर्गन, हीलियम इत्यादि अनेक तत्वों के परमाणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु से निर्मित होते हैं। जैसे ऑर्गन है तो केवल एक परमाणु होता है ऑर्गन में, हीलियम है तो हीलियम का केवल एक ही परमाणु होता है, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में आपको पता है ऑक्सीजन गैस जो होती है वो H2 के रूप में होती है। एक ओजोन नाम आपने सुना होगा, ओजोन होता है O3, उसको कहते हैं ओजोन। उसमें O2 अगर है तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, दो। O3 अगर है तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तीन। समझ में आ गया? तो दो परमाणु या तीन परमाणु या और भी ज्यादा, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि और ज्यादा परमाणु मिलकर अगर कोई तत्व बना रहे हैं तो वो भी इसी श्रेणी में आएगा, जो क्रमशः ऑक्सीजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के तीन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ये मैंने बता दिया। O2 को क्या कहते हैं, डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन गैस भी अपन कहते हैं इसको, और O3 को क्या कहते हैं, ओजोन, ठीक है। आगे हम यहाँ एक परिभाषा पढ़ेंगे, परमाणुकता। आप हेडिंग डाल सकते हो अपनी नोटबुक में, क्या परमाणुकता। परमाणुकता क्या होती है, किसी अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं। किसी तत्व में अभी भी अपन ने पढ़ा ऑक्सीजन में कितने कितने परमाणु, दो, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई, दो। ओजोन में
कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, तीन। तो इसकी परमाणुता कितनी हो गई, तीन। ठीक है, तो तत्व की परमाणुता कहलाती है। जैसे ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणुता है, तीन। कितने परमाणु से मिलकर बना होता है, ओथ्री था ना, तो ओथ्री में कितने ऑक्सीजन ओ के कितने परमाणु थे, तीन थे, तो परमाणुता कितनी जाएगी, तीन हो जाएगी। ठीक है, अगला जो बिंदु है वो है यौगिक। अपन ने तत्व पढ़ लिया, परमाणु पढ़ा, अणु पढ़ा, तत्व पढ़ा, अब आता है यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। दोबारा देखिए, दो या दो से अधिक तत्व, अब इसमें समान तत्वों की आवश्यकता नहीं है। हमने अभी क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन के ही दो अणु थे, ऑक्सीजन के ही तीन, सॉरी ऑक्सीजन के तीन परमाणु थे, ऑक्सीजन के ही दो परमाणु थे। लेकिन यहाँ यौगिक में क्या है, एक ही प्रकार के तत्वों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर भी एक समूह के द्वारा एक रासायनिक क्रिया करके और एक पदार्थ बनाते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सबको मिला दिया, मिक्स कर दिया और वो यौगिक बन गया। उनका एक निश्चित रेशो होता है, निश्चित अनुपात होता है उनका, कि हम किस तत्व को कितने मात्रा में लेते हैं। तो परिभाषा इसकी क्या बन गई, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं। जैसे नमक, जल, अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल। नमक होता है NaCl, Na और Cl, सोडियम का और क्लोराइड का जो एक एक परमाणु है वो मिलकर क्या बनाता है, नमक बनाता है। ठीक है, जल H2O, H2O का क्या है, H2O किसका है, जल का, जिसमें हाइड्रोजन के कितने, दो, और ऑक्सीजन का कितना होता है, एक। ठीक है, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, क्या होता है, NH3। N क्या है, नाइट्रोजन, H क्या है, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एक निश्चित अनुपात में N तो एक आएगा और हाइड्रोजन तीन परमाणु आएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, H2SO4, ध्यान से देखिए, H2 मतलब हाइड्रोजन के कितने हैं, दो, H2SO4, S का कितना है, एक, सल्फर का एक है, और O का कितना है, चार, मतलब ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, चार। दोबारा देखिए, H2SO4, हाइड्रोजन के दो, सल्फर का एक और ऑक्सीजन के चार, ये रासायनिक संयोग कर एक पदार्थ बनाएंगे जिसे हम कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रह सकता है एवं जिसमें यौगिक के सारे गुण विद्यमान हों उसे अपन यौगिक का अणु कहते हैं। जैसे जल, जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O, मैंने अभी बताया ऊपर, जल का अणुसूत्र। अमोनिया, अमोनिया हमने ऊपर पढ़ा था, उसका अणुसूत्र क्या होता है, NH3, ये मैंने ऊपर बता दिया यहाँ पे। अब आप क्या होता है, मिश्रण। मिश्रण का मतलब होता है कि अलग अलग तत्व, वो चाहे आपस में रासायनिक क्रिया नहीं करें, जैसे अपन ने बहुत सी चीजों को मिक्स कर दिया और उनको अपन अगर बाद में अलग अलग करना चाहे तो अपन उनको कर सकते हैं, उनका कोई मिलान नहीं है, वो आपस में क्रिया नहीं करते, आपस में मिक्स नहीं होते। ठीक है ना, तो वो अपन कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर आपने नाम भी सुना होगा, मिक्सचर आते हैं ना, मिक्सचर, तो वही मिश्रण है, उसमें अलग अलग चीजें हैं, उनको अपन छाट कर अलग कर सकते हैं। हमने मूंगफली अलग कर ली, हमने भुजिया अलग कर ली है, तो वो सब चीजें अलग अलग हो सकती है, तो उसको अपन कहते हैं मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्वों एवं यौगिकों को अनिश्चित मात्रा में मिलाने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। इसमें निश्चित मात्रा की आवश्यकता नहीं है,
अच्छा वो रासायनिक क्रिया भी नहीं करते आपस में, ये नहीं है कि एक चीज ने दूसरी चीज के साथ क्रिया करके तीसरी चीज बना दी, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो दोनों अलग अलग सेपरेट रहेंगे लेकिन वो मिले हुए रहेंगे, मिक्स रहेंगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूं। तो इनमें अवयवों के मध्य कोई रासायनिक बंध नहीं बनता, कोई रासायनिक बंध नहीं होता, ठीक है ना। हमने दो तीन चीजें मिला दी, वो आपस में रासायनिक क्रिया नहीं कर रहे। अगर हम उनको अलग करना चाहें तो अपन अलग कर सकते हैं, उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं है, ठीक है। अतः इन्हें आसान भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। देखो वही बात आ गई वापस कि एक तो अनिश्चित अनुपात में मिलाया हुआ है, एक इनमें कोई रासायनिक बंध नहीं होता, और तीसरा इन्हें पुनः पृथक किया जा सकता है। जैसे वायु एक मिश्रण है, वायु में क्या क्या मिला हुआ है, नाइट्रोजन गैस मिली हुई है, ऑक्सीजन गैस मिली हुई है, वायुमंडल, वायुमंडल में बहुत सी गैसें होती हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और H2O, नमी जिसको अपन कहते हैं, ये नमी है, जल की जो बूंदे हैं ना इसको बोलते हैं नमी, आदि अवयव पाए जाते हैं। मिश्रण को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब वो दो भाग कौन से हैं? पहला है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव एक ही अवस्था एवं प्रावस्था में होते हैं। एक ही अवस्था मतलब कि जैसे मान लो कोई अगर ठोस पदार्थ है तो ठोस ठोस ही, सारे गैस पदार्थ है तो सारे गैसीय अवस्था में होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो मिश्रण माना जाता है वो क्या होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। जैसे वायु, विलयन आदि बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन। और विषमांगी क्या होगा, है तो वो भी मिश्रण, उसमें भी अलग 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 प्रकार के पदार्थ मिले हुए हैं, लेकिन उसमें सॉलिड मिल सकता है, लिक्विड मिल सकता है, गैस अवस्था मिल सकती है, ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में अपन किसी भी चीज को मिला सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका विषमांगी। ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव भिन्न भिन्न अवस्था एवं प्रावस्था में होते हैं उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे दूध, बादल, बादल में भी जल की बूंदे होती है और गैसेस भी होती है, तो धुआं, ठीक है ना। तो ये विषमांगी मिश्रण है, कोई समान अनुपात नहीं है, कोई एक एक ही अवस्था में नहीं होते सभी, तो दोनों की परिभाषा। तो मिश्रण कितने प्रकार के हैं, हमने पढ़ा अणु, अणु की परिभाषा, तत्व की परिभाषा, परमाणुता की परिभाषा, यौगिक की परिभाषा, मिश्रण की परिभाषा, ये सब परिभाषाएं परीक्षा में आती हैं। मैं बार बार कह रही हूँ आप इन परिभाषाओं को नोट कर लें और इनके एक एक एग्जाम्पल आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। ये डायग्राम दे रखा है तत्व का, ये तत्व है एक ही प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के, जैसे मान लो ये रेड दिखा रखे हैं तो रेड ही है। ये देखो ये यौगिक है, इस यौगिक में अलग अलग प्रकार के तत्व मिले हुए हैं, एक ही प्रकार के तत्व नहीं है, ये सारे एक ही प्रकार के हैं, इसमें कोई भी ब्लू कलर का नहीं है, इसमें कोई भी रेड कलर का नहीं है, ये ब्लू और रेड दोनों है, ठीक है। और इसमें ये तो यौगिक है मतलब रासायनिक क्रिया हो रही है दोनों में, देखो नीला और जो रेड है दोनों आपस में चिपके हुए हैं, मतलब रासायनिक क्रिया के द्वारा ये एक नया अणु बना लेते हैं। और मिश्रण मतलब देखो सब मिले हुए, हम इनको अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, ये सब अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अपन ले सकते हैं समांगी और ये सॉरी तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब जो हमारा अगला बिंदु है वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि किसी भी यौगिक मिश्रण या तत्व, कोई भी अगर हमारे पास में कुछ भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, उसका रंग कैसा है, उसमें गंध कैसी आ रही है, ठीक है, उसकी अवस्था कैसी है, उसकी आकृति कैसी है, छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में है, पारदर्शी है या पारदर्शी नहीं है, या उनकी आकृति कैसी है, ठोस अवस्था में है, द्रव में है या गैस अवस्था में है,
तो ये सब अवस्थाएं, रंग कैसा है उसका, सफेद है, लाल है, नीला, पीला, कैसा रंग है, ठीक है ना। तो ये सब जो चीजें को आप अपन अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक अवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं कि कोई भी पदार्थ, यौगिक या मिश्रण किसके साथ अभिक्रिया करके क्या चीज बना देगा। तो जो अभिक्रियाएं जो बनती हैं, जो रासायनिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर है और हम इसी के बारे में भी अध्ययन करेंगे। जब भी एक द्रव्य अपने भौतिक और रासायनिक गुणों को बदलता है तो यह परिवर्तन कहलाता है। जैसे रंग, गंध, अवस्था, प्रकृति और अणुसूत्र आदि। रंग कैसा है, सूंघने पे उसकी गंध कैसी है, तीखी है, तीक्ष्ण होती है या मीठी मीठी सी गंध आ रही है, ये गंध होती है। अवस्था कैसी है उसकी, द्रवावस्था है, ठोस है, गैस है, कैसी प्रकृति है उसकी, अणुसूत्र उसका कौन सा है। किसी भी प्रकार परिवर्तन होना एक क्रिया है। तो ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से, पहला अपन पढ़ रहे हैं भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण समान रहते हैं परंतु भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है। देखिए कितने परिवर्तन है, दो परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अगर भौतिक परिवर्तन होगा तो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, अगर रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसका भौतिक परिवर्तन नियत रहता है। ऐसा परिवर्तन कौन सा परिवर्तन पढ़ रहे हैं, भौतिक परिवर्तन। तो किसके गुण समान रहेंगे, रासायनिक गुण समान रहेंगे। रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे तो कौन से गुण समान रहेंगे, भौतिक गुण समान रहेंगे, ठीक है। परंतु भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, इन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ को गर्म करने पर जल प्राप्त होता है, इसमें अवस्था ठोस से द्रव हो जाती है तो भौतिक अवस्था बदल गई, परंतु रासायनिक दृष्टि से दोनों समान हैं। गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म दोनों के समान हैं। दोनों के अणुसूत्र क्या होंगे, H2O, इसका भी क्या होगा, H2। क्लियर है, तो अणुसूत्र नहीं बदला और ठोस अवस्था जो है वो द्रव अवस्था में बदल गई, तो ये भौतिक परिवर्तन आपका हो गया। रासायनिक परिवर्तन, इसमें क्या होगा, भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात परिवर्तन के द्वारा नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यहाँ कार्बन ठोस अवस्था में, ऑक्सीजन गैस अवस्था में है, प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में है, यहाँ अवस्था के साथ साथ रासायनिक सूत्र में भी परिवर्तन होता है। देखिए ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये ठोस है, ठोस है इसलिए यहाँ क्या लिख दिया, एस, सॉलिड। यहाँ एस लिखा हुआ इसका मतलब ये ठोस है, यहाँ गैस लिखा हुआ इसका मतलब ये गैसीय अवस्था में है। और ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, जो कि कैसी अवस्था है, गैसीय अवस्था है। अब कागज का फटना, कागज को अपन फाड़ते हैं तो कागज को फाड़ने पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, वो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। और अगर अपन कागज को जला दें तो वो क्या कहलाएगी, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो कागज को फाड़ना और कागज को जलाना, दोनों में दोनों परिवर्तन आ जाते हैं आपके। तो भौतिक परिवर्तन क्या होगा, जिसमें रासायनिक गुण समान रहेंगे, अणुसूत्र समान रहेगा, अणुसूत्र नहीं बदलेगा, रंग बदल सकता है, उसकी अवस्था बदल सकती है, उसकी गंध बदल सकती है। तो ये तो परिवर्तन हो गए भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, उनकी अवस्था भी बदल सकती है, उनके रंग भी बदल सकते हैं, उनकी उनके अणुसूत्र भी बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो इस प्रकार से आप ये पूरा आज पढ़ोगे और इसके जो जितने भी डेफिनेशन मैंने पढ़ाई, जितने भी हमने हमने परिभाषाएं पढ़ी है,
उन सभी परिभाषाओं को आप नोट करोगे नोटबुक में और उनको आप याद करोगे, ठीक है। तो ये अपन ने परिवर्तन, पटाभौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, तो इसके एक एग्जाम्पल जो है, एक जो उदाहरण है वो आप दोनों पढ़ लोगे, इससे आगे का अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।